हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवकों की जरूरी मांगों को लेकर। भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ की तरफ से जो 25 दिसंबर 2020 को जो महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में दोस्तों, इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो मीटिंग होने वाली है वह जयपुर में होने वाली है और 25 दिसंबर 2020 को प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक होने वाली है ये मीटिंग। दोस्तों, इस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे उठने वाले हैं सारी जानकारी हम आपको बता दें। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आज गांव, शहर, राज्य से लेकर पूरे देश में कोरोना वायरस अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसमें डाक विभाग के कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, पुलिस कर्मी किसी न किसी रूप में मददगार बनकर लोगों का जीवन बचा रहे हैं। इस कोरोना महामारी के बीच नए वर्ष 2021 का आगाज हो रहा है। नई उम्मीद, वैक्सीन की आशा के साथ आप सभी पदाधिकारियों एवं आपके परिजनों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप देख सकते, सबसे पहले तो BMS की तरफ से सभी जो ग्रामीण डाक सेवक को वर्ष 2021 की शुभकामना दी गई है, सारे जो क्रिसमस की भी शुभकामना दी गई हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ये जो महासम्मेलन है उसके उद्देश्य क्या क्या है, यानी कि इस महासम्मेलन में कौन कौन से उद्देश्य को लेकर यह महासम्मेलन होने वाला है। तो पहले नंबर पर आप देख सकते, ग्रामीण डाक सेवकों को विभागीय दर्जा हेतु ज्ञापन दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते, इस जो महासम्मेलन की जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि ग्रामीण डाक सेवकों को परमानेंट किया जाए, इसको लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं दूसरा जो उद्देश्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 12/24/36 की पदोन्नति के आदेश में विलंब पर विचार विमर्श कर ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो उद्देश्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, IPPB कार्य में आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं दोस्तों, चौथा उद्देश्य आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेवानिवृत्त एवं पदोन्नत ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रमुख मांगे, इससे जो महासम्मेलन में जो प्रमुख मांगे उठने वाले वो हम आपको बता दें। इसमें जो पहले नंबर की मांग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवकों को विभागीय दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, आप यहाँ से ग्रामीण डाक सेवकों को 8 घंटे ड्यूटी की जाए, इसको लेकर यह मांग सबसे पहले नंबर पर रखी गई है। दोस्तों, वहीं दूसरी मांग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवकों को दी जाने वाले हैंडहेल्ड डिवाइस का बीमा किया जाए एवं उनके रखरखाव व मरम्मत का खर्चा बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाए। दोस्तों, यहाँ IPPB की मोबाइल सारी जो BO डिवाइस है उसकी बात यहाँ की गई है। दोस्तों, वहीं हम बात करें तीसरी मांग की, तो वो तीसरी मांग भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनुकंपा नियुक्ति 2005 के आदेशों के अनुसार पोता पोते को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। तो टारगेट के नाम पर ग्रामीण डाक सेवकों का शोषण बंद किया जाए, अन्य नियमित कर्मचारियों के समान निर्धारित किया जाए। तो दोस्तों, पांचवी मांग आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुट ऑफ ड्यूटी केस को रिव्यू करने की सीमा। वही दोस्तों, छठी मांग आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 पद शाखा डाकपालों को 1 पद रिक्त होने पर मंडलीय कार्यालय द्वारा व्यवस्था की जाए। दोस्तों, वहीं सातवीं मांग आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, GDS से PF पदोन्नत विभागीय परीक्षा GDS से पोस्टमैन 2019 का परिणाम माननीय KET के आदेश दिनांक 18/12/2020 के एवं 17/12/2020 के आदेश की पालना के पश्चात ही दिनांक 20/12/2020 को ली गई परीक्षा का परिणाम निकाला जावे, साथ ही भविष्य में होने वाली परीक्षा उपरोक्त आदेश की पालना के बाद ही ली जावे। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवकों की 7 जरूरी मांगों को लेकर यह महासम्मेलन होने वाला है। तो दोस्तों, इस सम्मेलन से जुड़े जो भी अपडेट रहने वाला है, यानी कि कल कुछ भी इस पर अपडेट रहता है उस पर भी हम आपको रिपोर्टिंग करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।